हेलो स्टूडेंट्स मैं स्तुति गुप्ता आज हम शुरू हैं क्लास इलेवंथ मैथ्स चैप्टर वन सेट्स एक्सरसाइज वन पॉइंट सिक्स तो देखिए आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ एक्स इक्वल टू सेवनटीन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ़ वाई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू थर्टी एट फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन जो हमें दिया हो, वो नोट करते हैं गिवन गिवन क्या है आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्स के कितने हैं सेवेंटीन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ वाई कितने हैं ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई ओके ये कितना दिया है थर्टी एट तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो हमने मैंने आपको आप इसकी इंट्रोडक्शन में इसका फार्मूला सिखाया था तो वो आप अभी इसमें अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एक्स एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ़ वाई एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ठीक है फर्स्ट फार्मूले में टू फार्मूले में ये बताया गया था तो एक इंटरसेक्शन फाइव होता है जब दोनों सेट क्या होते हैं फाइनाइट सेट होते हैं ठीक है बट यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन में क्या दिया हुआ एलिमेंट दिए फाइंड करने हैं है ना तो मतलब इन दोनों में कॉमन कोई ना कोई नंबर होंगे इसलिए ये आपको इंटरसेक्शन पूछ रहा है इसकी ठीक है बेटा तो आप यूनियन में देखिए क्या दिया आपको थर्टी एट है ना तो इसमें एक्स एक्स कितने हैं आपके पास सेवन वाई कितने हैं आपके पास ट्वेंटी थ्री तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको फाइंड करना है थर्टी एट इक्वल टू कितना हुआ ये फोर्टी थर्टी है ना यहाँ थर्टी नहीं फोर्टी हुआ सॉरी कितना हुआ फोर्टी क्योंकि कैरी भी गया ना दस का माइनस टेन एक्स एलिमेंट ऑफ वाई तो आप बेटा ये शिफ्ट इधर शिफ्ट करेंगे ये इधर शिफ्ट करेंगे ठीक है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू फॉर्टी माइनस थर्टी एट तो क्या है आपके पास टू आया ओके देअ फोर नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने एलिमेंट आए आपके पास टू एलिमेंट आए ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट अगेन यही कह रहे हैं दो सेट हैं सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ एटीन एलिमेंट एंड एक्स हैज़ एट एलिमेंट्स तो एक्स एंड वाई यूनियन में एटीन एलिमेंट्स हैं आपके पास एक्स के पास एट एलिमेंट हैं y के पास 15 एलिमेंट हैं और हाउ मैनी एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट्स तो गिवन आप लिखिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितने दिए हैं 18 नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने दिए हैं 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने दिए हैं 15 hai number of y, same same, है ना तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपको फाइंड करना है सेम के सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है ये ठीक है वी नो दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ वाई एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ठीक है तो ये कितने आए एट्टीन इक्वल टू एक्स कितने हैं आपके पास एट वाई कितने हैं फिफ्टीन ये आपको फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई ओके तो आप बेटा एटीन इक्वल टू ये कितना फिफ्टीन एट ट्वेंटी थ्री माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई तो ये इधर ले आए आप एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी थ्री माइनस एटीन कितना आएगा आपके पास फाइव कितना आएगा आपके पास फाइव ओके एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना देअर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब कॉमन एलिमेंट इन दिस टू सेट्स क्या आए हैं आपके पास सॉरी एन फाइव कितने आए हैं फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ फोर हंड्रेड पीपल टू फिफ्टी कैन स्पीक हिंदी एंड टू हंड्रेड कैन स्पीक इंग्लिश टू फिफ्टी स्पीक हिंदी टू फिफ्टी स्पीक इंग्लिश ओके टोटल पीपल फोर हंड्रेड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ का मतलब इंटरसेक्शन बोथ क्या होता है बेटा इंटरसेक्शन ओके तो आप गिवन लिखिए इसमें क्या है आपके पास गिवन पहले सबसे पहले आप लेट करेंगे इसमें क्या करेंगे लेट लेट जो है जो पीपल हिंदी स्पीक करते हैं लेट एच पी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी ओके okay? और नेक्स्ट क्या है आपके पास इंग्लिश ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओके स्टूडेंट आप लीजिए अब आप, आपके पास नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप लिखिए नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ पीपल मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं है ना सारे के सारे पीपल तो क्या आ जाएंगे हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी ठीक है कितने हैं वो फोर हंड्रेड है न जो क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो हिंदी इंग्लिश बोलता है उसमें कोई हिंदी बोलता है कोई इंग्लिश बोलता है है ना ऐसे तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फर्स्ट क्या है हिंदी हु स्पीक हिंदी तो हिंदी में कितने हैं आपके पास एन एच आ जाएगा तो वो हैं टू फिफ्टी ओके फिर है आपके पास नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ठीक है कौन सी लैंग्वेज बोल रहे वो इंग्लिश तो नंबर एन एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट ई इंग्लिश और टू हंड्रेड पीपल्स हैं कितने हैं टू हंड्रेड तो आपका नेक्स्ट इसने क्या पूछा है हाउ मैनी पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मतलब कॉमन इन दोनों में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो वो आप क्या लिखेंगे नंबर ऑफ People who speak Hindi and English. तो वो क्या आएगा एन E लिख रहे हैं पहले तो E लिखें E intersection एच इसमें कुछ नहीं होता एच लिखे चाहे ई e लिखे पहले दोनों का कॉमन पॉइंट ही चाहिए ना आपको तो।, तो ये आ जाएगा आपको ये फाइंड करना है ठीक है ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने फिर आप लिखेंगे बेटा फॉर्मूला क्या है आपके पास ई ई यूनियन एच इक्वल टू नंबर ऑफ़ ई एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एच एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन एच तो ये कितने हैं यूनियन में 400 तो ई e, एच जो हिंदी बोलते हैं वो 250 हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं 200 हैं माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच ठीक है तो आपके पास फोर हंड्रेड आप इधर लाएंगे है ना फोर हंड्रेड है ये कितना है फोर फिफ्टी है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ ठीक है तो आप एन नंबर ऑफ एलिमेंट आप बोथ के ये आगे फोर फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड तो आपके पास आ गया फिफ्टी तो ये बोथ देयर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ है ना इंटरसेक्शन का मतलब क्या आता है जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने आए फिफ्टी आए ठीक है तो आपने क्या बताना है इसमें पीपल कैन स्पीक बोथ एंड इंग्लिश है ना ओके वो कितने आ जाएंगे फिफ फिफ्टी पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश तो कितने आ गए वो फिफ्टी ओके क्लियर है स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट देखिए आप इसमें क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ ट्वेंटी वन एलिमेंट इधर सीधा ही बोला आप गिवन लिखेंगे नंबर ऑफ किसके एस एलिमेंट कितने हैं ट्वेंटी वन नंबर ऑफ टी एलिमेंट वो कितने हैं थर्टी टू नंबर ऑफ़ एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11 मतलब जो बहुत कॉमन है इन दोनों में है ना हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी एस यूनियन टी पूछ रहा है आपको तो आपको ये फाइंड करना है ठीक है स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है आप लिखेंगे एन एस यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एस एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ़ टी एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ़ एस इंटरसेक्शन टी तो यूनियन आपको फाइंड करना है है ना एस यूनियन टी आपको फाइंड करना है एस में कितने एलिमेंट थे आपके पास ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एलिमेंट हैं एस के प्लस प्लस थर्टी टू थर्टी टू हैं टी के ठीक है, SK, plus, plus 32. 32 है TK, और माइनस आपने इंटरसेक्शन करने हैं इलेवन तो कितने आ जाएंगे आपके पास देखिए थर्टी टू और ये ट्वेंटी वन कितना हो गया थ्री फिफ्टी थ्री है ना? इलेवन तो कितने आ गए आपके पास फोर्टी टू आ गए आपके पास क्या आया ए एस यूनियन टी मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल आ गए पीपल हो जो भी हो एलिमेंट हैं जो एस यूनियन टी में टोटल आ गया आपके पास देअर फोर नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू फोर्टी टू ठीक है टोटल एलिमेंट ठीक है और जो कॉमन थे वो क्या करते हैं हम वन टाइम राइट करते हैं तो इनका यूनियन सेट जो बनेगा वो कितना था उसमें कितने एलिमेंट थे फोर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आर टू सेट कहते ये दो सेट हैं एक्स हैज फोर्टी एलिमेंट एक्स यूनियन वाई हैज सिक्सटी एलिमेंट एक्स के फोर्टी हैं इसके सिक्सटी हैं इंटरसेक्शन में आपके पास टेन एलिमेंट दिए हैं तो आपके पास हाउ एलिमेंट डज वाई अब आपको वाई के एलिमेंट निकालने हैं किसके एलिमेंट निकालने हैं वाई के गिवन लिखिए पहले आप गिवन सबसे पहले है एक्स एलिमेंट कितने फोर्टी फिर आपको दिया है एक्स यूनियन वाई वो कितना दिया है सिक्सटी नंबर ऑफ़ आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई दिए है वो कितना है आपके पास टेन फिर नंबर आपको वाई एलिमेंट पूछ रहा है वो आपको फाइंड करना है ठीक है तो वी नो दैट फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है वी नो दैट एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ़ एक्स एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ़ वाई एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू यूनियन में कितने एलिमेंट हैं सिक्सटीन एक्स के कितने हैं फोर्टी वाई के कितने हैं वो आपको फाइंड करने हैं अभी और इंटरसेक्शन के कितने दिए आपको टेन ठीक है तो आपके पास ये सिक्सटी है ये दोनों ये देखिए फोर्टी में से टेन गया थर्टी और ये प्लस एन वाई आ गया ओके स्टूडेंट सिक्सटी में से थर्टी गया आपके पास ये इधर आ जाएगा ये यहीं पे रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे ये पॉजिटिव यहीं पे रहेगा और ये नंबर नेगेटिव सॉरी तो ये थर्टी इधर आके लेस करेगा इसको ये थर्टी हो गया नंबर ऑफ वाई के एलिमेंट कितने आ गए बेटा नंबर ऑफ वाई एलिमेंट आ गए थर्टी ठीक है दे फोर नंबर ऑफ वाई एलिमेंट इक्वल टू थर्टी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिक्स सिक्स क्वेश्चन में देखिए आप क्या है इसमें कह रहा है बेटा आपको इन अ ग्रुप ऑफ सेवेंटी पीपल थर्टी सेवन लाइक कॉफ़ी फिफ्टी टू लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स कहते ईच पर्सन सारे के सारे पर्सन हैं जो एटलीस्ट वो एक एक ना एक ड्रिंक तो लाइक करते एक लाइक करते हैं बट एटलीस्ट है, का क्या मतलब होता है एटलीस्ट का मतलब ये होता है वो एक तो लाइक करता ही करता है वन ड्रिंक तो वो लाइक करता है वो टू ड्रिंक भी लाइक कर सकता है ठीक है एटलीस्ट का मतलब कम से कम वन ड्रिंक तो लाइक करनी ही करनी है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी मर्जी लाइक कर सकता है बट यहाँ पे तो हमारे पास टू ड्रिंक ही है तो मतलब वो टू ड्रिंक लाइक कर सकता है ठीक है तो आप हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी बोथ मतलब कॉफी भी लाइक करता है और टी भी तो इसमें आपका क्या आएगा बोथ तो वो इंटरसेक्शन पूछा आपको ठीक है तो ये जो 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक तो ये आपके पास क्या है यूनियन है इसका क्या दिया हुआ आपको यूनियन दिया हुआ है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आप करेंगे ये वाला क्वेश्चन अभी ठीक है देखिए तो नहीं फिफ्टी सॉरी बेटा फिफ्टी टू लाइक टी एंड ईच पर्सन ये फिफ्टी टू सॉरी लाइक था टी ओनली है ना आगे आगे क्वेश्चन में ये दिया है एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक तो और ये कह रहा है ईच पर्सन जो लाइक करते हैं वो एक ड्रिंक तो करते करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो दो ड्रिंक भी कर सकते हैं हाउ मैनी पीपल ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन दी है इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है ठीक है ये बस वैसे ही बता रहे यहाँ पे आ गया आपके पास ये अलग से क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी और कौन से पीपल हैं जो दोनों लाइक करते हैं मतलब इंटरसेक्शन यूनियन तो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि आपको सीधा सीधा ये बताया हुआ है ये देख लीजिए आप आप पहले लेट करेंगे क्या करेंगे लेट लेट आपके पास क्या है बेटा सी सी क्या है सबसे पहले सी सेट आप लेंगे सी बी अ सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी ठीक है नेक्स्ट क्या है आपके पास सी के साथ टी हाँ टी बी अ सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी ओके आपने फिर नंबर ऑफ पीपल लिखना है नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नंबर ऑफ़ पीपल इन द ग्रुप लिखेंगे सॉरी like, like, क्या है ये नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप तो मतलब इसका क्या है नंबर ऑफ़ पीपल मतलब सी यूनियन टी तो वो कितना है आपके पास सेवन ओके okay? तो फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हु लाइक्स कॉफ़ी हु लाइक कॉफ़ी तो कॉफ़ी के लिए क्या आएगा एन और सी वो कितना है थर्टी सेवन ठीक है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी ओके टी में क्या देखिए कितने एलिमेंट हैं कितने पीपल हैं सॉरी फिफ्टी टू फिर आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी कितने क्या आएगा सी इंटरसेक्शन टी तो वो आपको क्या करना है फाइंड करना है आपको ठीक है तो आप वी नो दैट करें वी नो दैट फार्मूला आप पता है आपको एन सी यूनियन टी इक्वल टू सेवनटी सॉरी यहाँ पे सेवनटी नहीं यहाँ पे नंबर फार्मूला लिखिए एन सी आपके पास है प्लस एन टी आपके पास है माइनस एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन सेक्शन टी है ओके स्टूडेंट नेक्स्ट आप लेंगे ये कितना है आपके पास यूनियन में सेवेंटी है सी कितने आपके पास कॉफ़ी जो लाइक करते हैं टी लाइक करते हैं और ये बोथ जो लाइक करते हैं वो आपको फाइंड करना है ना सेवेंटी और ये थर्टी सेवन और ये कितना आ गया एट्टी नाइन माइनस सी इंटरसेक्शन टी ये इधर लेके आएंगे आप सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एट्टी नाइन माइनस सेवनटी कितना आ गया नाइनटीन तो क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा लास्ट में आपको नंबर ऑफ पीपल हु लाइक यहाँ पे देखिए हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ तो आप लिखेंगे दे आर पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी इक्वल टू नाइनटीन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई होप ये समझ आ रहा होगा बेटा मुश्किल नहीं है आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको इन अ ग्रुप सिक्सटी फाइव पीपल सिक्सटी फाइव पीपल दिए टोटल फोर्टी लाइक क्रिकेट एंड टेन लाइक टेन पीपल हैं ये टेन लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस बोथ मतलब इंटरसेक्शन हो गया इनका ये हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली तो वो बताने हैं जो आपको सिर्फ टेनिस लाइक like करते हैं नॉट क्रिकेट ओके अगर बेटा बोथ दिया है तो मतलब जो हमें क्रिकेट uh, लाइक like करते हैं उसमें वो वो भी इंक्लूड होंगे है ना टेनिस uh, वाले भी हाउ मैनी लाइक टेनिस तो आपको टेनिस कितने लाइक करते हैं और ओनली टेनिस कितने लाइक करते हैं वो आपको बताना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेट लेट करेंगे टी बी अट फॉर अ पीपल हू लाइक टेनिस ठीक है फिर सी बी ए सेट फॉर अ पीपल हू लाइक क्रिकेट ओके नेक्स्ट अभी आप क्या देखेंगे इसमें यह हो गया अ नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल हू लाइक नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप हू लाइक नी सॉरी नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप कितने हैं वो जी यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप कितने हैं बेटा सिक्सटी फाइव ठीक है फिर नंबर ऑफ पीपल क्या दी है फोर्टी इन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितने हैं फोर्टी ओके तो इसके लिए एन सी भी लिखेंगे आप है ना तो ये क्या है नंबर ऑफ सी यूनियन टी है ये आपके पास ओके okay? और ये आपके पास नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ है ना बोथ 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 क्या क्या है क्रिकेट एंड टेनिस तो ये बेटा एन सी इंटरसेक्शन टी हो गया आपके पास वो कितने हैं स्टूडेंट टेन लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस ठीक है 10, like tennis. ये देखिए ऊपर ओके हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली तो पहले आप आपको फार्मूला पता है वो लिखिए आप वी नो दैट एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी है ना यूनियन में आपको सिक्सटी फाइव पीपल दिए हैं सी जो क्रिकेट खेलते हैं वो फोर्टी हैं टी आपको इसने बोला निकालने आपने और जो बोथ बोथ लाई करते हैं वो टेन है ठीक है सिक्सटी फाइव इक्वल टू फोर्टी प्लस माइनस टेन प्लस टी तो कितना आ जाएगा ये थर्टी सिक्सटी फाइव प्लस एन टी है ना? तो बेटा सिक्सटी फाइव माइनस थर्टी इक्वल टू एन टी है न तो कितना आ गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव ये कौन से पीपल हैं जो लाइक करते हैं क्रिकेट बट यहाँ पे आपको क्या दिया था ये क्या है बोथ भी निकला हुआ है इसमें से निकला हुआ है ना बोथ क्रिकेट है टेनिस है ये बोथ लाइक करते हैं मतलब इसमें वो भी हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं है ना तो आप इसको देखिए आगे. आगे, आगे आगे आपको पूछा है कि आपको ये बताना है जो ओनली टेनिस लाइक करते हैं तो आप क्या इस लिखेंगे इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हू लाइक ओनली टेनिस इक्वल टू ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट ठीक है तो इसमें क्या आएगा थर्टी फाइव माइनस टेन तो वो कितना आ जाएगा टेन कॉमन होता है आपने देखा ना टेन क्या है इंटरसेक्शन मतलब वो क्रिकेट भी लाइक करता है और वो टेनिस भी इसलिए वो इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी फाइव ओके स्टूडेंट क्या है आपके पास ट्वेंटी फाइव है ना तो ये और नेक्स्ट आपके पास ये आ गया ट्वेंटी फाइव ओनली ओनली क्या था ये टेनिस तो बट इसने क्या पूछा हाउ मैनी लाइक टेनिस है ना तो आपने लिखना है नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस तो टेनिस कितना आएगा वो वो थर्टी फाइव आएगा ये ओनली टेनिस ये टेनिस इस सेट में जो आपने देखा जब सी क्रिकेट है और टी टेनिस है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल रहा है मतलब क्या बेटा कि वो टेनिस भी खेलता है और क्रिकेट भी थोड़ा खेलता है है ना तो इसलिए वो कॉमन आए थे एलिमेंट टेन वही टेन आपने क्या करने हैं खाली जब आपने ओनली बताना है कि वो ओनली टेनिस खेलता है इसलिए हम इस थर्टी फाइव में से टेन माइनस करेंगे उसके क्योंकि उसका थोड़ा इंटरेस्ट किस में था क्रिकेट में भी था इसलिए वो टेन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये ओनली क्रिकेट आ गया देर फोर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस थर्टी फाइव ओके होप सो ये समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इन कमेटी फिफ्टी पीपल स्पीक फ्रेंच ट्वेंटी पीपल स्पीक स्पेनिश है ना इसको अंडरलाइन कर दो अपने लिए टेन स्पीक बोथ बोथ मतलब इंटरसेक्शन हाउ मैनी स्पीक लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज मतलब ये क्या कह रहा है एक तो बोलता है और ज़्यादा भी बोल सकता है लीस्ट का मतलब का, एक तो है ही है उसकी लैंग्वेज बट वो दूसरी लैंग्वेज भी बोलता है ठीक है तो आप क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले लेट करेंगे आप लिखेंगे एस बी बी अ सेट फॉर पीपल हु स्पीक स्पैनिश एंड एफ बी अ सेट फॉर पीपल हु स्पीक फ्रेंच ओके तो आपने क्या करना है गिवन क्या दिया आपको वो लिखिए नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक क्या है बेटा स्पेनिश सबसे पहले सॉरी फ्रेंच फ्रेंच है ना तो इसको एन एफ लिखेंगे वो कितने हैं आपके पास फिफ्टी है ना तो फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच के बाद क्या था ट्वेंटी स्पेनिश के लिए था स्पीक स्पेनिश स्पेनिश के लिए क्या है नंबर ऑफ एस एलिमेंट वो कितने हुए ट्वेंटी कितने हैं ट्वेंटी फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हु स्पीक बोथ है ना तो बोथ लैंग्वेज कितनी है वो नंबर ऑफ़ पीपल स्पीक बोथ एस इंटरसेक्शन एफ़ वो कितना हो गया आपके पास टेन स्पीक बोथ ओके फिर आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट वो नंबर ऑफ एस यूनियन एफ़ आ जाएगा ठीक है वो आपको फाइंड करना है ओके फिर आप फार्मूला लिखेंगे एस यूनियन एफ़ क्या है आपके पास नंबर ऑफ़ एस प्लस नंबर ऑफ़ एफ़ माइनस नंबर ऑफ़ एस इंटरसेक्शन एफ़ तो एस यूनियन ये तो आपको फाइंड करना है एस के कितने हैं स्पीक जो स्पेनिश करते हैं ट्वेंटी फ्रेंच के लिए कितने हैं फिफ्टी तो जो बोथ करते हैं वो टेन है सेवेंटी माइनस टेन इक्वल टू सिक्सटी सिक्सटी कौन हुआ नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड सॉरी स्पेनिश एंड फ्रेंच ठीक है इसमें एटलीस्ट में आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना है? वो सिंपल यही है कि वो एक लैंग्वेज बोलता है और ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी बोल सकता है मतलब यहाँ पे तो दो ही लैंग्वेज है मतलब एक बोलता है और साथ साथ वो दूसरे भी बोलता है ठीक है तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ एस यूनियन एफ इक्वल टू सिक्सटी और लास्ट में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज तो आपने लिखना है देआर फोर पीपल हु स्पीक एट लीस्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ दिस टू लैंग्वेज इक्वल टू सिक्सटी होप्स ओ स्टूडेंट आपको ये मेरा समझाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू